खोड़ा पंचायत का नल जल योजना का काम देखिए, इसमें टूटी नहीं है। देखिए क्या स्थिति इसकी। सरकार कह रही है कि हर पंचायत के अंदर हमने हर वार्ड में लगभग 34 से 35 लाख रुपए खर्च किया है सिर्फ एक टंकी लगाने के लिए, पानी, स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए आम लोगों तक, नागरिकों तक। कई एक बहाल कर रही है सरकार उसके पीछे, उसकी देख रेख के लिए, रख रखाव के लिए पैसे भी देने के लिए तैयार है, लेकिन आप देखिए पानी है। कौन जिम्मेदार इसके लिए है? क्या मुखिया अगर बोलते हैं इस बात को लेकर के कि हमें ये काम हमें सौंपा नहीं गया है, हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया है, हमारे इस हिस्से में नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया है, तो मुखिया जी बताइए आप ही कि ये भी काम आपके पंचायत में ही हुआ है और पंचायत के आप मालिक हैं। मुखिया मतलब होता है एडिटर इन चीफ, मालिक। आप पंचायत के मालिक हैं, आपको अधिकार है कि आपके पंचायत में कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, किसे क्या करना चाहिए, सारा कुछ का देख रेख करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप ये बोलते हैं, पल्ला झाड़ते हैं बोल करके कि ये मेरे अंडर नहीं पड़ता है मुखिया जी, तो आप कहीं ना कहीं इसके लिए सिर्फ आप जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं। ये पानी की व्यवस्था देखिए, हम चाहेंगे कि इसको और नज़दीक से देखाइए, इसके अंदर कुछ है? कुछ नहीं है, शायद ये ऊपर भी रखा हुआ है। देखिए ये है नल जल योजना जो विकास हुआ है, एक नहीं है, ऐसे अनगिनतों एग्जाम्पल आपको हम इस पंचायत के अंदर दिखाएंगे। इसके बाद हम कुछ सड़क के पास में जाएंगे, लेकिन आपको हम बता दें ये जो सड़क है जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर अगर बारिश का मौसम आ जाए, अभी पिछले 5 दिनों से बारिश नहीं हुई है जिसके वजह से पानी यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा। कल पानी बाल्टी से उपचे हैं, तो इनका कहना है कि बाल्टी से साफ सफाई किया है इन्होंने, इसलिए कि यहाँ मुहर्रम है, इसको लेकर के ये सफाई किया है बाल्टी से। नहीं तो आम दिनों में अगर बारिश का मौसम आ जाए तो अगर आप इस रास्ते से गुजरेंगे तो शायद ही आप सेफ और सुरक्षित यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। हो सकता है कि अगर गाड़ी से हो आप, बाइक से हो आप, तो आपकी बाइक कहीं ना कहीं घुस जाएगी अंदर, आप गिर जाएंगे। कीचड़ नुमा होता है पानी, कम से कम इतना बड़ा घुटने भर पानी यहाँ पर तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर अगर मुखिया जी के पास जाइएगा बोलने के लिए तो मुखिया जी बोलते हैं कि ये देखिए घर का, ये ज़मीन जो है इन्होंने इस, ये जो रोड है, रोड से ऊपर ज़मीन बना रखा है। वो यही बोलेंगे कि रोड से ऊपर यहाँ के जो नागरिक है उन्होंने अपना घर को, दरवाजे को भर रखा है। मुखिया जी, नली और गली लाखों करोड़ों पैसे आते हैं, वो कहाँ यूज़ करेंगे आप? नाली गली में होता है ना जी, उसको आप कहाँ यूज़ कीजिएगा? नाली क्यों ना आपने बना दिया यहाँ पे? आपके पास समय नहीं है इसके लिए, आप बिज़ी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। आपको इस बात का घमंड है कि आप एक मुखिया हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप पर कोई सवाल खड़ा करने वाला नहीं है। आप पर सवाल खड़ा होगा, 1000 बार सवाल खड़ा होगा, 1000 बार हम करते आएंगे, जब तक कि आप अपने दायित्व को नहीं पहचानेंगे, अपने ड्यूटी को नहीं पहचानेंगे। अब तो आपका समय भी गया मुखिया जी, अब 5 साल तो बीत गए, अगले 2 महीने चुनाव भी है, लेकिन आपने जो भी कुछ किया शायद ही आपको आम जनता यहाँ पे माफ़ कर पाएगी। क्योंकि अगर कोई इंसान पीड़ित है, कोई परेशान है, तो इसकी ज़िम्मेदारी उससे निकालने की, उभारने की ज़िम्मेदारी सिर्फ आपकी है। और आप बोलेंगे कि हम देखिए BPL मिट्टी जो मनरेगा के अंदर जो मिट्टी भराई की जाती है, ये मनरेगा को एक समुद्र विकास का समुद्र बोला गया है। अगर किसी योजना में, किसी मद में पैसा नहीं है तो आप कम से कम मनरेगा से पैसा उठाइए, आप विकास कीजिए। और इसके लिए हमेशा जो प्रखंड में जो PO होते हैं या पंचायत के अंदर PRS होते हैं, वो हमेशा तैयार रहते हैं आपके उस काम के लिए, लेकिन उस पर भी आपकी बहानाबाजी चलती है। आप ये बोलेंगे कि मनरेगा से हमको कोई मतलब ही नहीं है, काम करेंगे, पैसे आते 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, लेकिन इतना बहाना आपको नहीं करना चाहिए और करना भी नहीं चाहिए, और ऐसा चलेगा भी नहीं।